ओम शक्ति जय माँ काली। भाइयों बहनों, अक्सर यह प्रश्न आता है कि हम दैनिक जीवन में पूजा कैसे करें, किनका करें और कब तक करें, कब कब करें। यह सामान्य सा प्रश्न है। वास्तव में यह जीवन भागती दौड़ती जिंदगी जो है, कहीं ठहराव नहीं है। एक ही जगह पूरे विश्वास के साथ ठहराव मिलता है और उम्मीद रहती है कि हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छे से कट जाएगा, निश्चित हो जाएगा और वह हर कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। और वह स्थान है परमात्मा का स्थान, ईश्वर का स्थान, भगवती का स्थान। आप चाहे जिस रूप में ईश्वर को मानते हो, उस पराशक्ति को ईश्वर के रूप में मानते हो, शिव के रूप में, ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जिस रूप में मानते हो, अल्लाह के रूप में मानते हो, मसीहा के रूप में मानते हो, जिस रूप में भी मानते हो, आपके जीवन में एक वही स्थान है जहाँ से आप सब कुछ प्राप्त करने की उम्मीद लगाए रहते हैं। और अगर सही ढंग से आप उन तक पहुँच पाते हैं तो जरूर आपकी उम्मीद पूरी भी होती है। तो ऐसे प्रश्न मेरे पास अक्सर आते हैं कि मैं कैसे पूजा करूं जो उन तक पहुंचे, क्या क्या विधि होनी चाहिए और क्या क्या सामान्य विधि होनी चाहिए जो एक आम गृहस्थ जीवन का व्यक्ति पूजा को कर सके, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो। पूजा तो सभी करना चाहते हैं जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी आस्तिक है वो पूजा जरूर करना चाहते हैं। कुछ लोग मन से करते हैं और कुछ लोग कर्मकांड से भी करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जैसा कि वेदांती हूँ तो कर्मकांड का अपना भी महत्व होता है। क्या होता है कि कर्मकांड जब आप पूजा की तैयारी करते हैं, ईश्वर में के सारे कामों को करते हैं, उनके मूर्तियों को धोते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, उन पर उनके लिए फूल लाते हैं, तो उस समय आपका मन बिल्कुल उसी पर रहता है। जैसे कि आप भगवान का वस्त्र बदल रहे हैं तो आप पूरी सावधानी से वस्त्र को बदलेंगे, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान वहां पर रहेगा। अगर आप भगवान के लिए पुष्प ला रहे हैं तोड़कर, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान पुष्प पर रहेगा। बात है ध्यान की, ध्यान चाहे जैसे रख लो, ध्यान चाहे जिस पर लगा लो, अगर आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान जल चढ़ाने पर रहेगा। तो बात तो है ध्यान की, और यह ध्यान ही है जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते। पिछले दिनों मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपने सांसों पर ध्यान करें, तो आज हम आपको बतलाएंगे कि किस तरह से आमतौर पर एक गृहस्थ पूजा करे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सीरीज लाऊं जिसमें छोटे से लेकर ऊंचाई तक ले जाऊं, जैसा कि आरंभ में ही मैंने कहा था। तो यह प्रश्न इस दौड़ती भागती जिंदगी में कैसे थोड़ी सी हम समर्पित भाव से पूजन कर ले ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान के प्रसन्न होने पर उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए। वह जो भगवान है वह ऊर्जा ही है। जब आप दूर तक जाएंगे, मेरे वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो वह ऊर्जा ही है, और जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, आप उस ऊर्जा के निकट पहुंचेंगे, आपके मन में अभूतपूर्व शांति होगी। और वह ऐसा कुछ भी नहीं जो आप प्राप्त ना कर सके हो। सबसे पहला आपको मिलेगा संतोष, और संतोष से आपको धैर्य, और धैर्य से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो आज हम बड़ी बातें नहीं करें, एक आम गृहस्थ जीवन के लिए जो आम तौर पर मेरे पास प्रश्न आता है वह मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। भगवान की आप तरह तरह से पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। जो रूप आपके मन को भाए उस रूप में आप उनकी आराधना करो। वह तो ऊर्जा है,
ऊर्जा को जिस रूप में मान लो, शिव के रूप में मान लो। जैसे पानी है, पानी को जिस पात्र में डालोगे उसी का रूप ले लेगा, उसी तरह से वह ऊर्जा है। चाहे शिव में डाल लो कि महसूस करो, चाहे कृष्ण में डाल के महसूस करो, चाहे माँ देवी में, दुर्गा में, जिस में तुम अपने को निकट महसूस कर सको, उस रूप का ध्यान करो जहाँ भी सहजता महसूस हो। और यह तो हो गई कि किस रूप में करें, तो आपको जिनसे करीबी महसूस होता हो। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा होता होगा कि आप किसी देवी को, किसी देवता को मनाए होंगे, कुछ मांगे होंगे, तो इच्छा आपकी पूर्ण हो गई होगी, तो आप उन्हें मानने लगे होंगे, तो आप उन्हें ही माने, उसी रूप में उन्हें माने। तो आप जिस रूप में मानते हैं आप उन्हें माने। और अब आगे की विधि हम बतलाएंगे कि कैसे पूजा करें, कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में पूजन भी हो जाए, आपको उसका प्रसाद भी मिल जाए। प्रसाद का तात्पर्य है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपने जो पूजा पिछले दिनों के जो पुष्प, जो अगरबत्ती के राख, जो जल, जो प्रसाद उसमें होंगे, उसे आप किसी कागज में रखकर भूमिगत विसर्जन कर दें। किसी गमले में मिट्टी रखे उसमें विसर्जन कर लें। क्या है कि जो आपने पूजा किया है उस राख में भी एक एनर्जी होती है, तो उसे इधर उधर डस्टबिन में ना डालें, कूड़े में ना डालें, उसे आप भूमि में विसर्जित कर दें, यानी कि गड्ढा खोदकर उसमें उसे ढक दें। एक गमले को आप रखें, उसमें मिट्टी भर कर रखें। अब प्रतिदिन का जो बचा हुआ सामग्री है उसमें विसर्जित कर दें, और इसके पश्चात आप स्नान करें। आपको लगेगा कि यह इतनी बड़ी बात है, इतना समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप एक पात्र में जल रख लें अपने पूजा स्थल पर, वहीं पे जल्दी जल्दी उसे धोकर रखते जाएं सामग्री को, और एक पात्र रखें जिसमें पुरानी सामग्रियों को निकाल लें, और उसके बाद उस सारे में गंगा जल थोड़ा डाल दें जल में, और उसमें साफ सफाई कर लें, साफ हो जाएगा। बहुत 5 से 7 मिनट का समय आपको लगता है, पूरे मन से आप करते हैं तो। इसके बाद आप स्नान कर लें। क्या है कि स्नान क्यों करते हैं, आप पूछ सकते हो कि क्या बिना स्नान किए पूजन नहीं कर सकते? कर सकते।
स्पाइन को सीधा करके बैठे, हमेशा सीधा करके बैठे, क्योंकि जब आप पूजा कर रहे होंगे, आपका ध्यान लगेगा, तब आपकी जो एनर्जी मूलाधार चक्र से उठेगी, वह आपके आज्ञा चक्र तक और सहस्रसार चक्र तक आएगा। भंवर गुफा से होते हुए आप बाहर भी निकल सकते हो, लेकिन अगर आप कमर को झुका कर इस तरह से बैठोगे तो वह जो एनर्जी आएगा वो बैंड हो जाएगा, वो सीधी तरह से नहीं जा पाएगा, रुक कर जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि स्पाइन को सीधा करके बैठे। और आज कमर दर्द की समस्या, कंधों के दर्द की समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप लोग हमेशा कमर को बैंड करके थोड़ा मोड़ कर बैठते हैं और जैसे तैसे लेट कर टीवी देखते हैं, इसलिए यह समस्या बढ़ रही है। खैर, तो अब हम विषयांतर नहीं होंगे भाइयों बहनों, तो अब आप सबसे पहले दीपक जला लें। प्रयास करें कि घी का ही दीपक घर में जलाएं। अगर आप सक्षम नहीं है तब आप तिल का या सरसों तेल का जला सकते हैं, लेकिन घी का, गाय के घी का दीपक जलाना सबसे बेहतर होता है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा घी डालकर जलाएं। आप रुई की बत्तियों को पहले से घी में डाल के रखें, उसमें घी लिपट जाएगा, उसके बाद आपके पूजा के समय तक उस बत्ती को जलाएं, वह जलता रहेगा। तो मैं यह कहूंगी कि घी का ही दीपक जलाना बेहतर होगा। इसके बाद आप धूप बत्ती जला लें। अगर अगरबत्ती नहीं जलाएं तो बेहतर होगा, धूप बत्ती बिना डंठल वाली जो आती है उसे जला लें। आपके पास जल तो आपने रख ही लिया है, पूजा की तैयारी में बिना जल का पूजा पूर्ण नहीं होता, तो जल एक पात्र में जरूर रख लें। तो आपने जल ले लिया, आपने अग्नि ले लिया, आपने धूप ले लिया और अब पुष्प ले लें। तो यानी रूप रस गंध सारे कुछ वहां होना चाहिए, तो दीपक और गंध से आप वातावरण शुद्ध हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा आपका मन, और अब आप पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे? सीधा भगवान पर जल और प्रसाद अर्पण ना करें, पूजन आरंभ ना कर दें, बल्कि सबसे पहले हाथ जोड़कर आप प्रणाम करें उस ईश्वर को और अपने गुरु को, कि गुरु आपको शक्ति दें सही सही पूजन करने का, और भगवान की आप प्रार्थना करें, जिन भी भगवान की आप पूजा करें उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी पूजा को ग्रहण कर ले। पूजा ग्रहण करने का आग्रह आप भगवान से करें कि वो जो करने जा रहे हैं उसे वे स्वीकार करें और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप स्वीकार नहीं करने कहेंगे तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी को भी बुलाते हैं तो इज्जत से बुलाते हैं, तो आप भगवान की पूजा सर्वशक्तिमान की करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे प्रार्थना।
इसके बाद पूजा में यह विधान है कि सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति को याद करते हैं ताकि आपके पूजा में दिन भर में कोई विघ्न ना आए। तो गणपति की आराधना करें, ओम गं गणपते नमः या जो भी आपको मंत्र आता है वह करें। इसके बाद आप शिव का मंत्र जरूर कर ले, एक बार ही सही, ओम नमः शिवाय जरूर कर ले। इसके बाद आपको जिनकी भी आराधना, जिनका भी मंत्र करना हो, जिनका भी भजन करना हो वो कर ले। और अंत में एक बार फिर से आप शिव को याद करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर ले। और इसके बाद आरती करें। आरती सर्व एक ही आरती होनी चाहिए, कई आरतियां आप नहीं करें। एक पूजन समाप्त करने के बाद एक बार आरती करें। आरती करने का मतलब होता है पूजा का समापन, आपकी पूजा समाप्त हो रही है। तो पूजा की समाप्ति करने के लिए आप एक ही बार आरती करें। और अब भाइयों बहनों हम बतलाते हैं कि पूजा कितनी बार करें और कब करें। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम पूजा दिन भर में कितनी बार करें। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दिन में चार बार संधि काल आता है, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सूर्योदय के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक, दोपहर में 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक, सूर्यास्त के समय सूर्यास्त के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक, और मध्य रात्रि को 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक। तो आप इन चारों संधि काल में नहीं कर सकते, आप गृहस्थ जीवन है। तो सूर्योदय के 20 मिनट पहले से लेकर सूर्योदय के 20 मिनट बाद तक आप पूजन करें तो बहुत ही बेहतर होगा। और फिर सूर्यास्त के समय, दो दिन में आप ऑफिस में होंगे या गृहिणी होंगी तो कार्य कर रही होंगी, आप नहीं कर सकते हैं। कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो दोपहर में आप नहीं कर सकते हैं, तो संध्या काल को कर लें, सूर्यास्त के 20 मिनट पहले से लेकर 20 मिनट बाद तक। इस समय अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी पूजा बिल्कुल मान लीजिए कि ईश्वर को स्वीकार हो जाएगा। और अब कुछ सावधानी बताने जा रही हूँ। पूजा में आसन सभी के अलग अलग होने चाहिए, एक ही आसन पर बैठकर सभी पूजन ना करें। आसनी का रंग काला कभी ना हो, लाल रंग के हो तो बेहतर होगा, नीले रंग के हो तो बेहतर होगा। आप कॉटन के रख सकते हैं, रेशम के नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कॉटन के आसन बनाकर रख लें। थोड़े मोटे हो ताकि बैठने में आपको अच्छा सुविधा लगे, अंदर से चुभेगा तब आपका ध्यान पूजन में नहीं लगेगा। पहले विधान था त्रिकाल संध्या पूजन करने का, सुबह दोपहर और शाम। लेकिन त्रिकाल संध्या इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि चार संधि आता है, 12 बजे रात्रि के संधि में बहुत लोग नहीं करते हैं पूजन, तांत्रिक लोग करते हैं। तो त्रिकाल संध्या में आप दो संध्या संधि में आप कर सकते हैं, प्रातः और संध्या समय। और एक बात भाइयों बहनों, माला सभी के अलग अलग होने चाहिए जाप के। अगर अलग अलग माला आपका नहीं होगा तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होती है और सबों के शरीर में अलग अलग तरंगे होती हैं, तो उसका इफेक्ट माला पर पड़ जाता है। तो माला सभी को प्रयास करना चाहिए कि अलग अलग रखें, और अलग अलग देवता के अलग अलग माला ना रखें, आप रुद्राक्ष की माला रखें। रुद्राक्ष की माला से आप सारे देवताओं का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में पूजन कर सकते हैं। और एक चीज, अपने मंत्र को आप गोपनीय रखें। मंत्र आपका व्यक्तिगत चीज है, दीक्षा व्यक्तिगत चीज होती है, और जो आपको मंत्र गुरु से दिया जाता है अथवा आपने स्वयं कहीं से लिया है, उस मंत्र को गोपनीय रखें। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है आप क्या मंत्र कर रहे हैं। जब आप कह देंगे
तो आपके मन की इच्छा पूरी शायद ना हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप ध्यान में बैठते हो आपको कुछ दिख रहा होता है। कोई अंधकार में कोई किरण दिख रही होती है, कोई लाल रंग दिख रहा होता है, ब्लू रंग दिख रहा होता है, लेकिन उस चमकते लाल पीले नीले रंग को जब आप देखने लगोगे तो समाप्त हो जाएगा। अगर वो दिख रहा है दिखने दो तो वो रह जाएगा, ठहर जाएगा देर तक, लेकिन आप देखने लगते हो तो समाप्त हो जाता है। आप खुद महसूस करके देखो। इसी तरह से मंत्र भी गोपनीय होते हैं। आप इसकी चर्चा, इसका प्रचार बिल्कुल ना करें। दीक्षा भी गोपनीय होती है, व्यक्तिगत होती है। तो मंत्र आप खाकर भी कर सकते हैं, लेकिन गोपनीय रखें। लेकिन जो लोग बीमार हैं वो हल्का नाश्ता करके खाके कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो खाकर पूजा ना करें। अब देखिए, भगवान को आपके खाने से भी कोई लेना देना नहीं है, आप खाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बात तो एनर्जी की है, बात तो ध्यान लगने की है। तो जब आप खाना खाकर बैठेंगे पूजन के लिए तो आपके शरीर का जो तंत्र है, जो आपका चैनल शरीर में 72,000 है, वह तो आपके आपने जो भोजन किया उसे पचाने में लगा देगा, उसे एनर्जी के रूप में बदलने में लगा देगा। तो आप कहां से मूलाधार चक्र से एनर्जी को ऊपर की ओर लाएंगे? भाइयों बहनों, यही कारण है कि खाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आपके खाने से भगवान पाप नहीं लगाते हैं, लेकिन आपकी पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि आप पचाने में लग जाएंगे। आपका शारीरिक क्रिया जो है, आंतरिक क्रिया प्रक्रिया है, वह भोजन को पचाने में लगा देगा। तो आप जो ऊपर से ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हो, वो कहां से करेगा? तो भाइयों बहनों, यह ध्यान को केंद्रित करने का पहला और आसान तरीका है, पहली सीढ़ी है। और अगली बार हम आपको बतलाएंगे कि जब इसे करते करते आप एक ठहराव पालें, तब आप इसके आगे कैसे करोगे, इसका विस्तार आगे कैसे होगा। तो आप देखते रहें, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप इस संसार में आए हैं सिर्फ खाने पीने नहीं, पूजन करने और मुक्त होने आए। तो भाइयों बहनों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल में पहली बार है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे।